दिल्ली से वर्चुअली देवास के कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक के भूमि पूजन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। उन्होंने कहा कि दो देवियों का वास देवास में है, तुलजा भवानी और चामुंडा माँ, सब पर अपनी कृपा बरसाएं। केला देवी का भी आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा सौभाग्य है होलकर सिंधिया बाजीराव के माध्यम से हिंदवी सेना का साम्राज्य पुनर्स्थापित होने का दौर शुरू होने के बाद इस इलाके की स्थिति में बदलाव हुआ है। मालवा क्षेत्र अपनी अनूठी विशेषताओं के लिए जाना जाता है। विशेष रूप से देवास ने औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जल्द ही देवास, इंदौर, उज्जैन और धार को एकीकृत करते हुए समग्र महानगर के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है और टेंडर भी किए गए हैं। होलकर सिंधिया बाजीराव के माध्यम से हिंदवी सेना का साम्राज्य पुनर्स्थापित होने का दौर शुरू होने के बाद इस इलाके की स्थिति में बदलाव हुआ है और विकास की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। तुलजा भवानी, चामुंडा माता सबके ऊपर कृपा करे और हम सब परमात्मा की दया से इस नए वातावरण में, नए युग में, नए समय में, खास करके केला देवी का भी आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़े। ये हमारा सबका सौभाग्य है। मालवा सदैव अपनी विशेषताओं के कारण से जाना जाता है, लेकिन सच्चे अर्थों में महाराज छत्रपति महाराज शिवाजी के बाद हमारा मालवा तो उस समय स्वाधीन हो गया जब हमारे यहाँ होलकर, पंवार, सिंधिया, बाजीराव जी महाराज के माध्यम से जब हमारी हिंदवी सेना का साम्राज्य पुनर्स्थापित होने का अभियान चला, तो ये हमारे सभी देवस्थान के आभा भी बढ़ी और हमारा क्षेत्र अपने आप में एक अलग प्रकार से पहचाना जाने लगा है। आज के इस अवसर पर जब देवास की बात करता हूँ तो पंडित कुमार गंधर्व को भी याद करता हूँ। पिछले समय में आपके साथ आया था, वहाँ हमने कुमार गंधर्व जी के माध्यम से संगीत के बहुत बड़े, एक तरह से खगोली भाषा में बोलूँ तो नक्षत्र की भांति उन्होंने अपनी एक आभा पहचान बनाई और कर्नाटक से आकर के मालवा में भी रच बस करके कबीर के गायन से लेकर सभी प्रकार की उनने जो रचनाएं दी है वो हमारे देवास का भी गौरव कराने वाली है। और अनेक अलग प्रकार से ऐसे कई नाम और कई बातें मैं बता सकता हूँ। देवास बिना तो भारत की समृद्धि की कामना भी नहीं कर सकते। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान।